हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में चल रहे 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमे के दूसरे दिन 173 जोड़ों का निकाह सादगी के साथ हुआ। इज्तिमे के दूसरे दिन बाद नमाज ए फजर मौलाना सलमान साहब ने बताया कि दीन मनचाही जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है, दीन रब के मुताबिक जिंदगी गुजारने को कहते हैं और रब की नहीं सुनोगे तो रहम दिल नहीं बनोगे। जोहर की नमाज के बाद बयान करते हुए मौलाना चिरागुद्दीन ने लोगों को सादगी से जिंदगी गुजारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी होती है। असर की नमाज के बाद इमाम व खतीब जामा मस्जिद मुफ्ती सैयद अमजद अली ने लोगों को सादगी से निकाह करने का पैगाम दिया। उन्होंने रस्मों रिवाजों को खत्म करने की अपील की और सबसे कम खर्च के निकाह को बेहतरीन निकाह बताया। उन्होंने 173 जोड़ों का निकाह सादगी से बिना दहेज व बिना रस्मों रिवाज के साथ कराया। मगरिब की नमाज के बाद इज्तिमे में आए जन समूह को पैगाम देते हुए मौलाना यूसुफ ने बताया कि यह दीन हमारे पास बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद पहुंचा है। इंसान की कामयाबी इस दीन में है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर गुजारेगा वो इंसान दुनिया में भी कामयाब है और मरने के बाद की जिंदगी में भी कामयाब है। इस अवसर पर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर ने बताया कि सोमवार को इज्तिमाई दुआ के साथ 3 दिनों का इज्तिमा संपन्न हुआ, जिसमें शहर, राज्य और मुल्क में अमन, शांति और सभी की भलाई और खैर की दुआ भी की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। एकता समाचार के लिए जयपुर से साबिर कुरैशी की रिपोर्ट।